वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथाजी को प्रणाम करता हूँ। गतकल्ला हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील परीक्षित महाराज कलि युग पर चार जगह पर स्थान किया है। मतलब है अगर कलि युग में केवल चार नियमों के पास है कहते जद्य भी दिखता है हम कलि युग में कहते कलि युग में नहीं सत्य युग में निवास कर रहे। और थोड़ी सी महाप्रभु को बताया हुआ जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए थोड़ी सी हरि नाम श्रद्धा पूर्वक और अपराध से रहित होकर करे उसके जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। चलो परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में गए, इतनी जोर से उनको प्यास लग रही थी, जीवन में कभी ऐसी लगा ही पानी ढूंढ के श्रमिक के आश्रम पर पहुंचे, उन्हें पानी मांगे, पानी नहीं दिए तो उनको गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनको बच्चे के जो पता चलते श्री ऋषि को उन्होंने कौशिकी नदी की पानी उठाई और उन्होंने मंत्र बोध करके बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस उसको तक्षक रचन करेगा। एक ऋषि एक वैष्णव दर्शन से जीव के धन्य हो जाता है। 88,000 ऋषियों का दर्शन एक कथा, ये तो मेरे ऊपर में भगवान की कोई कृपा है। फिर से परीक्षित महाराज ने उनको प्रश्न किया आज कल परसों और परसों एक ना एक दिन जीव मरने वाला है, इसका क्या कर्तव्य है। लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग थे ना बोले नासो मुनि जैसे बदम न करना, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिसका बदि अलग नहीं था। किसने कहा भैया विघ्न विनाशन कर गणेश जी को भैया सबको प्रणाम किया और उन्होंने सिंहासन के ऊपर बैठ गए। फिर परीक्षित महाराज तो प्रश्न की झरी लगा दी बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी अतः पृच्छामि संसिद्धि आप कृपा करके बताओ जगत में से क्या वस्तु है जिसको पाने पर जीव को सब कुछ पाना हो जाता है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए क्या सुननी चाहिए और क्या नहीं सुननी चाहिए आप कृपा करके बताओ। इनकी प्रश्न सुनकर के सुखदेव गोस्वामी ने कहा मेरा पसीना पसीना सुखाई नहीं, अरे तुम्हारी घर में कोई आएगा पहले क्या करोगे, घुसते ही बोले क्या बात है कहाँ से आ रहे ये कोई सभ्यता थोड़ी है, पहले क्या करोगे बैठाओगे पानी पिलाओ खाना खिलाओ जब चैन से बैठेंगे ना फिर बोलोगे क्या बात है। बोले अभी मेरे पसीना ही नहीं सुधा लेकिन तुमने प्रश्न की झरी लगा दी। बोले ऐसे क्यों, बोले मेरे को पता है आप शरीर के जो संत है एक गृहस्थ घर में उतना समय टिकते हैं, गैया दोहर के लिए जितने समय लगता है उससे ज्यादा समय कभी ये टिकते नहीं, अब आए तो चले जाओगे। तो प्रश्न के द्वारा मैंने आपको बांधना चाहता हूँ फिर इसलिए फिर आप कृपा करके इसका उत्तर दो। बोले परियार ऐसा तो प्रश्न तुम्हारी जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है, जो आत्मा में रमण करने वाले ऋषि भी तेरे प्रश्न को आदर करेंगे। देखो तो भगवान की सूक्ष्म रूप में मुक्त हुआ जब उन्होंने ये सब बात बता रहे थे। परीक्षित महाराज सोच रहे थे तो केवल भजन 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 की बात कह रहे, ये तो कोई भोजन की बात नहीं कर रहे क्योंकि भूखे ना भजन भय गोपाला बिना खाए भी भजन कैसे करेंगे। जब उन्होंने ये सोचे बोले तुम भोजन के लिए क्यों चिंता करते हो, भोजन के लिए कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। कृष्ण गीता में स्वयं बोले अनन्न सिंतन तमाम जे जनाहा करजो पासते तेसांग नित्याभिजुक्ता नाम जोगाख्यम भवे। कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन जो व्यक्ति अनन्य रूप में मेरे चरण का शरण ग्रहण किया है उसके लिए मैं दो दान करता हूँ, घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ और जो चीज है
मैं स्वयं एक दरबार बनकर उसको मैं रखवाली करता हूँ। इसलिए खाने पीने का कोई चिंता मत करो, खूब भगवान का चरण में अपना मन को लगा दो। बोले स्वयं कहा, बोले भगवान इतने बड़े पृथ्वी क्यों बनाया, सुने है ना। बोले बगैर तकिया खरीद नहीं आएगी। बोले भगवान हाथ दिया ना तकिया बना लो। बोले कपड़े कहाँ से पहनेंगे। बोले जो कोई जब कोई व्यक्ति मरते हैं फिर ना बहुत सारे कपड़े पहन देते हैं, उसको उठा कर जमुना में धो कर तो पहन लो। बोले खाएंगे क्या। बोले भगवान इतने सारे कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए, कितने तरह तरह का फल फूल लगाए खाने के लिए ना, इसलिए फल खाओ। बोले रहेंगे कहाँ। बोले सुंदर सुंदर गुफाएं सुंदर रह जाओ। बोले शेर बाघ अगर खा जाएंगे। बोले भगवान क्या भक्त वत्सल को छोड़ दिया। भगवान स्वयं कहते हैं कौंतेय प्रति जाति न मैं भक्ता प्रक्षति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो फिर भक्त का विनाश नहीं। इसलिए कोई चिंता मत करो, ये मन को संपूर्ण प्रभु के चरण में, संपूर्ण प्रभु के चरण में लगा दो। बस प्रभु के चरण में मन लग गया ना, सीधा तुम भगवत प्राप्त कर लोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। जय श्री राधे। अभी सृष्टि का क्रम वर्णना करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी जन्म हुए। जब हुए उनको एक साल था। ब्रह्मा जी ने देखा मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, देखने के लिए इच्छा हुई तो उनको चार सर हो गया। बोले मेरी मैं आया कहाँ से। वो कमल नार में उन्होंने अनुसंधान की, करोड़ों साल तक ढूंढे लेकिन उनको कहीं भी था नहीं मिला। फिर ऊपर आए, उनको व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुनाई पड़ा। बोले त और प, मतलब तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या किए तब भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। बोले ज्ञानों में परम गुण हम जब विज्ञान समझने पर, उनको उन्होंने भक्ति युक्त उन्होंने उनको विज्ञान प्रदान की। और सर्वप्रथम उन्होंने उनको गोपाल मंत्र दिया, जो गोपाल मंत्र को हम जप करते हैं। और उन्होंने इसी गोपाल मंत्र का प्रभाव से विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की। उन्होंने उसी गोपाल मंत्र को धीरे धीरे नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव को, व्यास देव फिर मध्वाचार्य को, फिर वो मंत्र धीरे 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 इसी परंपरा में हम लोग को ये मंत्र पहुंचा है। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया, बेटा हम चाहते हैं ये संसार का सृष्टि का जो क्रम है ये धीरे 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 प्रारंभ हो। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्ण को सृष्टि की। ब्रह्मा जी मानस पुत्र ये है सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। बोले बच्चों ये सृष्टि का क्रम तो बड़ा। बोले पिताजी ये संसार बड़ा दुखमय है, हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले भगवान का निर्देश संसार बढ़ाओ, सर्वप्रथम तुमको सृष्टि की और तुम कह रहे हो हम घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो मस्ती रहेंगे भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उनको ललाट से श्री रुद्र प्रकट हुई। देखो सृष्टि का पहला ये चतुष्ण है। ये चतुष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन पा करके भगवान की अगर तुमने भजन कर लिया ना, समझ रहा तुमने सारी कर्तव्य तुम्हारी पूरी हो गई। हाँ देखो मेरे तरफ में ध्यान दे रहे, देखो ये चार आश्रम है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ 25 साल, 100 साल है ना, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। ये 25 साल क्या, ब्रह्मचर्य। पहले जब गुरुकुल में जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, गुरु जी के आश्रय में वेद वेदांत उपनिषद 25 साल तक पढ़ते थे। गुरुदेव प्रश्न करते थे बताओ बेटा अभी तू क्या करोगे। जो समझ जाता था ये जीवन भगवान 84 लाख जन्म को बाद में दिया है और ये जीवन का उद्देश्य प्रभु का भजन है, अगर इसी जीवन में अगर प्रभु का हमने प्राप्ति कर लिया फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त है। वो क्या करते थे, गुरुदेव प्रश्न करते थे बताओ बेटा क्या करोगे। गुरुदेव हम इसी संसार में फंसना नहीं चाहते, हम तो आपको चरण में रह करके भक्ति करते हुए ये जीवन को बिताना चाहते। मेरे दर्द में देखो 25 साल ब्रह्मचर्य, अगर जो संसार में प्रवेश नहीं किया ना वो ब्रह्मचर्य 25 साल के बाद में डायरेक्ट यहाँ से छलांग लगाए यहाँ पे संन्यास में आ गए, उसको 50 साल है ना ये संसार में फंसना नहीं पड़ा, ये दुख का क्षण नहीं उठाना पड़ा।
अगर जो जिसकी संसार की बहुत ही वासना है बगैर शादी के रह ही नहीं सकते, गुरुदेव आदेश देते हैं बेटा जा घर में जा, लव मैरिज नहीं करना है। अभी जैसे लव मैरिज नहीं करना, आप लोगों को बड़े बड़े आपको पता होगा शादी कैसे होता था, कभी लड़का लड़की को नहीं देखने देता था, लड़की कभी लड़का को देखने, जो बड़े बड़े बैठे होकर देखने के लिए गए हो नहीं, पिता माता तुम्हें जहाँ ठीक कर दिया तो आग बंद करके वहीं शादी कर लेते थे और देखना सारा जीवन सुख में रहते। लेकिन अभी लड़की गोरी ना काली, कितने लंबी कितने चौड़ी, देखने में कैसे, कितने क्वालिटी हैं, तोतली तो नहीं, बात करके बोले एक दिन घूमा दे, पता नहीं कितने क्या 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 करते, तभी नहीं टिकती, तभी भी नहीं टिकती है शादी। लेकिन पहले क्या होता था, क्योंकि पहले हमारे वेद पुराण का हिसाब से रिश्ता ना, वो ऐसे शादी करते थे, इसलिए सारा जीवन बड़े प्रेम से पति पत्नी बड़े आनंद से जीवन को चले जाती है ना। अभी तो आपको पता होगा भारत में भी 50% डाइवोर्स होता है, इसलिए यहाँ पर बताए देखो बेटा लव मैरिज नहीं करना, पिता माता जहाँ करेंगे वहीं पर कर लेना शादी है, और दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करना, प्रभु की सेवा करना मिलकर के है, दोनों आनंद पूर्वक रहना, प्रभु की सतीश को आश्रम बताया, गृहस्थ आश्रम है, ये भोग का आटा खाना नहीं है। इसलिए अब लोग श्लोक मंत्र नहीं जानते, जब शादी होती है ना तो सालग्राम साखी करके बोले हे सालग्राम इसलिए हम शादी कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि पति पहले पत्नियां बाहर काम करने नहीं जाती थी, केवल पति ही काम करने जाते थे, इसलिए सब सही था, इसलिए सती रहती थी हैं, इसलिए ठाकुर जी इसलिए हम शादी किए हैं, पति जैसे बाहर जाएगा पैसा कमाएगा बाहर रहेगा, अभी ये ठाकुर का सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी के लिए रसोई कौन बनाएगी, ठाकुर जी को पूजा कौन करेगा, इसलिए पति क्या करता था, पत्नी को सहधर्मिणी के रूप में ग्रहण करते हुए घर का काम किसका था, पत्नी की, घर का सारे काम, बाहर काम किसका होता था, पति की होता था, इसलिए दोनों मिलकर के भगवान के भजन करना। बोले कितने साल, बोले ज्यादा नहीं 50 साल, उसके बाद में नहीं, देखो 50 के बाद में जो अंक आता है ना, एका बन, मतलब और घर में नहीं, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, और घर में मत रहो, अभी जाओ वृंदावन में जाओ, भगवान तुम्हें ये जो मानव शरीर दिया 84 लाख जन्मों के बाद में, और ये जीवन बारंबार नहीं मिलता है, भजन के लिए दिया, अभी जाओ जा करके वृंदावन में, फिर दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते हुए जीवन बिताओ। अगर अभी भजन नहीं किया एका बन चौवन पचपन में, फिर तो 69 फिर सठिया बन जाओगे, फिर तेरे से कुछ नहीं होगा, बांस जो कच्चा रहता है ना वो जिधर टेढ़ा करना टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए 69, 60, 61 मतलब सठिया बन जाती है, फिर और उससे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए देखो उसको बाद में फिर बान प्रस्ताव 25 साल तक गृहस्थ, उसको बाद में बान प्रस्ताव, उसको बाद में फिर सन्यासी, फिर उसको बीच में ना 50 साल नष्ट हो गया बीच में। लेकिन जो डायरेक्ट ब्रह्मचर्य सीधा सन्यासी गए 50 साल उसको बर्बाद नहीं हुआ। इसलिए सर्वप्रथम सृष्टि का सर्वप्रथम ये चतुर्सन सृष्टि हुए और उन्होंने दुनिया को सिखा दिया ब्रह्मचर्य करके प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने नहीं किए ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, सृष्टि का प्रथम संतान और संसार के लिए मना कर दिया, फिर तो शंकर जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी को फिर उनको ललाट से प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए, जीव के बंदर से हुए। बोले क्यों, बोले जीवों को नास्ती नहीं बनाने के, भगवान कुछ नहीं जो बता रहे, हाँ इसे प्रकृति अपने आप से प्रकृति से सब कुछ हो गया है, कभी ये नास्तिक बनाने के लिए मरने से पहले खुद बोल कर गया ये मेरे को सरकार ने जोर जबरदस्ती किया था, लेकिन कभी भी बंदर से इंसान नहीं हो जाते। अगर बंदर से इंसान होते तो अभी कितने बंदर है, अब कोई बंदर के इंसान बन रहा है कोई, बोले तो तभी क्यों हो गया, अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं। बोले अगर इसका आंसर नहीं देखते मेरी नौकरी जाएगी बेटा, वो तो बड़ी चिंता में पड़ गया, फिर तुमको पालेगा कैसे,
बोले पिताजी इतनी सी बात के लिए आप इतना चिंता में पड़ेंगे, कोई चिंता मत करो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, दो दिन बाद में जब जाओगे ना मेरे को साथ में ले चलना और मैं इसका आंसर दूंगा। बोले तू दे दोगे? बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, ये कोई क्वेश्चन ही है। अभी दो दिन बाद में जब गए राजा ने बोले आंसर लेकर के आए, बोले महाराज जी कौन सा बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, मेरे छोटा बेटा कहता है इसका आंसर दे देगा। छोटा बेटा? बोले हाँ। बोले बेटा बताओ भगवान है तो कहाँ है? बोले महाराज आप 5 किलो दूध मंगवाओ। दूध मंगवाए। बोले बताओ इसमें घी है कि नहीं? बोले है। बोले मेरे को दिखा। इसमें घी कहाँ मेरे को दिखा? बोले ऐसे थोड़ी घी निकलेगा, पहले गर्म कर फिर उसको जमा, मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर गर्म कर तो क्या होगा? बोले महाराज ये दूध में घी है लेकिन उसका एक प्रोसेस बताया, अगर घी निकालना चाहते हो ये प्रोसेस है तभी जाकर के घी निकलेगा। आप बता रहे हो भगवान कहाँ है, ये कोई लड्डू थोड़ी बनाया खा लिया। जिनकी चरण को पाने के लिए कहते शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाही निरंतर ध्याने, जिनको पाने के लिए इतने बड़े बड़े देवता लोग जिनकी इतनी कठोर तपस्या कर तब भी उनकी कहते नतव नखाकर मरीचि यद्यपि समाधि विधिरपि पश्यति, यद्यपि ब्रह्मा करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं उनकी नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। और एक बार जो प्रभु का दर्शन कर ले उसका जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान की साथ लड्डू कोई करिए, हर साधन के बगैर भगवान थोड़ी मिलेंगे महाराज जी, उसका एक प्रोसेस बताया। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहले श्रद्धा, उसके बाद में साधु सब, उसके बाद फिर भजन करना, उसके बाद में सारे हृदय की काम क्रोध दूर होगा, फिर भगवान के नाम में रुचि आएगा, फिर निष्ठा आएगा, फिर हृदय में भाव और प्रेम में भगवत दर्शन, ये इसकी प्रोसेस बताया गया। इसलिए आप प्रोसेस का अपना भगवान को दर्शन मिलेगा। राजा तो चुप हो गए, बोले मिल गया क्वेश्चन के आंसर। बोले हाँ। बोले बढ़िया बात बताया तुमने। बोले दूसरी प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था? भगवान क्या कर रहे हैं? बोले ठीक है बताओ भगवान अभी क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछे बोले प्रश्न कौन करता है? बोले मैं। बोले उत्तर कौन देगा? बोले तू। उत्तर तुम दोगे प्रश्न माता जी को ना? कोई एक चेयर दे दो, कोई चेयर यहाँ पर है इसको देखो उधर चेहरा है उनके हाथ में भेज दो दे दो दे दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल। इसलिए उनका जो दूसरा प्रश्न था भगवान है तो क्या कर रहे हैं ठाकुर जी, तो उन्होंने पूछा ये प्रश्न कौन कर रहा है? मैं। बोले इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और एक ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं एक सेकंड में, इसलिए भगवान यही कर रहे हैं। राजा तो प्रसन्न हो गया, अरे क्या तुमने आंसर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हुए भगवान है कि नहीं, इसलिए हम लोग सृष्टि कहाँ से हुए हैं? बंदर से नहीं हो गए हैं। हम लोग कहाँ से सृष्टि हुए? भगवान से। भगवान से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मनु हुए और मनु सतरूपा हुए, फिर वहां से धीरे 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 जो सृष्टि का जो क्रम है ना वो धीरे 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 सृष्टि का क्रम जगत में फैल के जगत में आया। यहाँ जो कथा आती है माता देहूत की कथा आती है, कभी आकुति देहूति प्रसूति, ये तीनों लड़की इतने सुंदर थी जब ये अपना आंगन में खेलती थी, स्वर्ग का देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके मूर्छित हो जाते थे। ये तीनों बेटी देखने में इतने सुंदर थी, कहते श्री कर्दम ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे, भगवान उनको दर्शन। बोले बेटा क्या चाहते हो? बोले आपके चरण में भक्ति हो। बोले और क्या चाहते हो? बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं घर गृहस्थ की, लेकिन आपकी इच्छा ये संसार बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा को अनुरूप में संसार करूंगा, लेकिन प्रभु मेरे दो शर्त पर। बोले बताओ क्या? बोले अगर आप हमारे बेटे बनोगे ना फिर मैं घर गृहस्थी करूंगा। बोले दूसरा शर्त, बोले तब तक रहूंगा जब तक बच्चे नहीं हो जाए, बच्चे हो गए तो फिर हम संन्यास ले लेंगे। बोले कोई बात नहीं, फिर भगवान माता देहूत देहूत मैंने शादी की, फिर उसको बाद में कर दो, फिर भजन में बैठ गए।
और माता देवती अपना पति प्रता धर्म को द्वारा उनकी सेवा करते रहे। पति भोजन नहीं दिए है और वो कैसे भोजन कर सकती है, उनने पति की पूरा सेवा में जीवन लगा दिया। देखो पति प्रता धर्म जो जागरण करते हैं ना, बड़ा शक्ति है। पति भोजन नहीं दिए इसने खुद बनाए और खुद चट कर लिया, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। पहले क्या करो, बच्चे को खिलाओ, पति को खिलाओ, फिर बाद में खाओ। इसलिए माता देहूती उसने पति की सेवा करते करते क्यों वृद्धा हो गई, जब 10 साल बाद उनको ध्यान खोली उन्होंने ये भी भूल गए मैंने कभी शादी किया हुआ। देखा सामने एक बुढ़िया, बोले तो कौन हो, बोले आप भूल गए कभी शादी किए हो, बोले तो वही देहूती पहले इतने सुंदर थी अब तो बुढ़ी हो गई, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया था, भगवान से बोले है ना बच्चे चाहिए, शादी क्यों किए थे। तब वो तो साधारण ऋषि थे नहीं, बोले जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले वो जितने सुंदर थी ना उससे भी ज्यादा सुंदरी बन गई, हजार दास दासियां प्रकट हुई। पहले जो हमारे साइंस है वो अभी का साइंस बहुत आधार विषय में ले लो, फिर ये मन बंदर लगा कर बनाएगा। जब इसी मन को फिर हम सीधा घुमा दे, सीधा मतलब ठाकुर जी के चरण में लगा दे, हरी माँ ये मन मुक्ति की धारण कर दे। ये मन ही सब कुछ है, जैसे समझो यहाँ बैठो, यहाँ पर बैठे हो लेकिन बैठे तो यहाँ पर लेकिन याद कर रहे हो घर की, पता नहीं घर में क्या हुआ, बेटा आ गया, लेकिन मैं पूछना क्या कर, मैंने अभी कथा क्या सुनाएगा अभी, अरे मैं तो यहाँ नहीं था, तो मन और कहीं सोच रहा। जैसे ये मन ने बताया चलो आज you
वृंदावन बिहारी लाल की। कहते आकुति, देहूति और प्रसूति, उनकी ये तीन बेटी है। कहते प्रसूति को साथ में दक्ष प्रजापति के साथ ही, उनसे बड़ी सुंदरी सुंदरी, उनको 13 लड़की जन्म हुई। और उसमें जो सबसे छोटी लड़की थी वो सी देवी है, पार्वती सती। वो देखने में बड़ी सुंदरी, बड़ी प्यारी, सबसे सुंदर थी वो। लेकिन सती को साथ में श्री भोले बाबा की शादी हो गई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि जो सती एकदम जवानी अवस्था में उसने सती को त्याग दे दी। यहाँ पर प्रश्न किए, बोले ये जवानी अवस्था में क्यों शरीर त्याग दी? बोले ससुर और दामाद में लड़ाई हो गई। बोले ससुर दामाद में लड़ाई? बोले हाँ। बोले शंकर तो भोले बाबा कहते ना, शंकर जी भोले बाबा, वो तो बड़े सरल सिद्धार्थी। बोले इन्हीं जो सत्यम शिवम सुंदरम, फिर इनको साथ में लड़ाई होने का बात क्या है? ये तो बड़े सरल सीधा आदमी है। तो जोगी जोगी महाजोगी शंकर जी, फिर लड़ाई क्यों हुई? बोले एक समय ये जो दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये प्रजापति पद में नियुक्त किया, ये पोस्ट ऐसे की चीज है ना, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभुता पाई और काम धना। ये पोस्ट इतने बड़ी गंदा चीज है, कभी ये प्रभुता पा करके जगत में से कौन सा व्यक्ति जिसकी अंदर में मद नहीं आते, अहंकार नहीं आ जाता है। इसलिए श्री कुंती कहती है, बोले प्रभु जो चार ही तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे। बोले कौन भक्ति नहीं करेगा? बोले जन्म, जिसको ज्यादा पैसा, जिसको ज्यादा बड़े कुल में जन्म ले लिया, बड़ा अभिमानी आ जाती है। बोले ऐश्वर्य, बोले जिसको ज्यादा पैसा मिल गया, बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले शराब का दुकान में, डिस्को डांस में, नहीं तो किसी मूवी में देखना, जितने शराब सारी गंदे चीज में वही मिलेंगे। क्योंकि पैसा है ना, इस पैसा में सारे कली का स्थान है। इसलिए बोले जन्म ऐश्वर्य, बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है विद्वता। अगर जिसको आदमी ज्यादा विद्वता आ जाए ना, है तो बड़ा अभिमान आ जाता है। और स्त्री जिसको थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए, है जो हीरो हीरोइन में, इसी तरह चमड़ा सुंदर हो जाए। ये कुंती कहती है प्रभु इनके अंदर में इतने अभिमान आ जाती है, उनको कोई सत्संग में तीर्थ में लोग कहीं नहीं मिलेगा आपको। बनाना ये सारे गंदे चीज पर मिलेंगे, सारे गंदी गंदी जगह पर इनका सब भेंट वही पर वही थी, लेकिन उनका कोई तीर्थ में सत्संग में उनको कहीं नहीं मिलेंगे। ये कौन कह रही है? कभी ये कुंती कह रही है भगवान, ये कृष्ण को कह रही है। बोले प्रभु, बोले नमो अकिंचन विकाय, तू तो अकिंचनों का धन, तुम अकिंचनों का जो दीनहीन व्यक्ति का तुम धन हो तू है। इसलिए यहाँ पर प्रजापति दक्ष का बड़ा अभिमान है। एक समय कुंभ मेला प्रयाग में कुंभ मेला था, सबके सब देवता लोग वहां पर आए, और ये दक्ष प्रजापति जान बूझ करके उसने एकदम लास्ट में आया। जब लास्ट में आया ऐसे ऐसे देख रहा था, कौन मेरे को देख करके कौन खड़ा होता है और कौन खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे 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 देख रहा था। देखा सबके सब देवता खड़े हुए, क्योंकि प्रजापति है, लेकिन उसमें दो व्यक्ति के लिए खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। ये ब्रह्मा और शंकर ये दोनों खड़े नहीं हुए। फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जो ब्रह्मा जी ये मेरे पिता है, पिताजी की कोई जरूरत नहीं खड़े होने का। लेकिन ये शंकर कौन है? मेरा दामाद है। दामाद कौन होता है? बेटा होता है। और मैं प्रवेश किया और शंकर जी को देखा चुपचाप है, तो भरी सभा में शंकर जी को उसने इतने अपमान किया। उसने कहा देखो ये बंदर जैसे आग लाल लाल करके बैठा हुआ और भूत पिशाचों को साथ में रहता है, मेरा जो सबसे जो प्यारी, सबसे जो मेरी सुंदरी लड़की थी, कौन? श्री सती। ब्रह्मा जी बोलने पर मैं शादी इसको साथ में करवाया, मैं तो इच्छा नहीं कर रहा था। जो भूत पिशाच को साथ में रहता है, आग लाल लाल बंदर जैसे, मैं कभी इसको अपना सबसे प्यारी बेटी कभी नहीं देता, लेकिन ब्रह्मा जी बोलने पर मैंने इसको अपना बेटी को दिया, मैं इसके पिता लगता हूँ। देखो मैंने आया तो हर थोड़ी सी खड़े होकर सम्मान तो कर, थोड़ी सी सम्मान भी नहीं किया उसने, गाली को ऊपर में गाली देने लग गया। बोले तेरे जितने भजन करने वाले ना, भव व्रता धरा जे चौ
जेतान समान व्रता पाखंड नस्ते फमतु। तेरे जितने भजन करने वाले होंगे सब पाखंडी बनेंगे, शमशान में रहेंगे, गंजा फूकेंगे, बड़े कामी क्रोधी लोभी होएंगे। इतने शंकर जी को गाली दिए, लेकिन शंकर जी सत्यम सीतम सुंदर। शंकर तो चुपचाप बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। देखो अगर आप किसी को गाली दो, अगर वो व्यक्ति मुस्कुराए तो क्या हाल होता, आपको और भी क्रोध चढ़ जाएगा। बोले देखो इसको मैं गाली दे रहा हूँ और इसको भूखिया देखो बैठे बैठे कर मुस्कुरा रही। फिर तो उन्होंने अभिशाप दिया, बोले तेरे जितने भक्त सब पाखंडी बनेंगे। बड़ी उल्टा उल्टा गाली उन्होंने दिया, लेकिन शंकर जी चुपचाप बैठे। लेकिन वहां पर नंदी था, बोले हरी हर निंदा सुनई जे काना, होए पाप भोगात सदा। हैं ये चुपचाप बैठे हुए शंकर जी, हैं जो जोगी जोगी महाजोगी, जिसने तीसरा नेत्र खोल देना सारा दुनिया को तो ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए कुछ बोल नहीं रहे। देखो बकरी जैसे भगभग 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 करते जा रहे, बोलते जा रहे, चुप नहीं हो रहा है। फिर तब नंदी ने अभिशाप दे दिया, बोले जा तेरे बकरी सर लग जाएगा। दक्ष प्रजापति को अभिशाप दिया, जब उसने उनको अभिशाप दिया बकरी का सर लग जाएगा, वहां पर ऋषि मुनि लोग थे, बोले तू बीच में कौन बोलने वाला, यहाँ ससुर दामाद की लड़ाई हो रही। भृगु ऋषि ने खड़े होकर के बोले, बोले मैं अभिशाप देता हूँ, हैं मैं अभिशाप देता हूँ, कितने शंकर जी के भक्त सब पाखंडी बनेंगे। इतने में नंदी को और क्रोध आ गया, बोले सारे शंकर जी भक्त को तो पाखंडी बना लिया, मैं भी अभिशाप देता हूँ, जितने ब्राह्मण कलयुग में होंगे सब भीख मत में लगे, दरवाजा दरवाजा में भटकते रहेंगे भीख मांगेंगे। अभी दोनों में तो शाबाशाबी शुरू हो गया। शंकर जी चुपचाप बैठे करके सुन रहे थे, बोले भगवान कहाँ स्वागत समारोह हो रहा था, यहाँ तो शाबाशाबी शुरू हो गया। शंकर जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े होकर वहां से चल पड़े। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न होता है, जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किया फिर शंकर जी थोड़ा खड़े क्यों नहीं हुए, खड़े हो जाते क्या आगे जाता, थोड़ी सी तो ससुर को आदर कर देते, फिर उन्होंने खड़े क्यों नहीं हुए ना। उसका दो रहस्य बताए, बोले पहले रहस्य बताए कि शंकर जी कौन है, बोले भागवत में बताया ये शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभो, मतलब भगवान की भक्तों में शंकर जी को सबसे श्रेष्ठ मान गए हैं, क्योंकि इनके बगैर ब्रह्म का कोई लीला नहीं हुआ है। भगवान राम जब आए शंकर जी हनुमत लाल बनकर के आते हैं, कृष्ण रूप में जब आए इन्होंने सदाशिव रूप में गोपीश्वर महादेव बनकर के आए, जब चैतन्य महाप्रभु आए शंकर जी पर सदाशिव श्री अद्वैत, बोले इनकी बगैर प्रभु की कोई लीला नहीं है, सब लीला में शंकर जी है, और ये भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त इनको मानी गई। गोस्वामी जी ने कहा शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बोले भैया शंकर जैसे प्रभु का भक्त कौन हो सकता है, सबसे बड़े भक्त शंकर जी है। इसलिए शंकर जी महाभागवत कहते, महाभागवत का डेफिनेशन किया, बोले सर्वभूतेषु च पश्येत भगवत भावार्थम। महाभागवत का डेफिनेशन है हर जीव में जो भगवत दर्शन करते हैं, शरीर नहीं सबका हृदय में परमात्मा रूप में जो ठाकुर जी बैठे हुए को ठाकुर जी को देखते हैं, ये शरीर को नहीं देखते हैं। लेकिन शंकर जी दक्ष प्रजापति के हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए थे, शंकर जी उनको प्रणाम किया। लेकिन इसका नाम दक्ष, बोले दक्ष मतलब बोले किस चीज में दक्ष, बोले संसार में, भक्ति में नहीं, वो संसार क्रिया में दक्ष है। लेकिन शंकर जी की जो ऊंचाई जो भाव है ना, ये दक्ष प्रजापति ने नहीं समझा, ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण बताए कि जो शंकर जी हैं, शास्त्र में बताया जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने का मनाओगे, एक को मनाओ तो दूसरा मुंह भुला कर बैठ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए आप महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, कृष्ण ने देखा, बोला अर्जुन देख मैं कौन हूँ, ये जितने विश्व ब्रह्मांड है, जितने ग्रह नक्षत्र ब्रह्मा शंकर नारद जितने इंद्र चंद्र जितने 33 करोड़ देवता अर्जुन देख मेरे अंदर। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्तधन्य, मतलब मेरे को छोड़कर कोई पर तत्व जगत में नहीं। जैसे एक फूल की माला बनती है, लेकिन इसके अंदर में धागा है तभी फूल की माला बनी, धागा टूट जाए सारे मणि बिखर जाएगी फूल,
कहते उसी तरह धागा स्वरूप मैं हूँ और देख विश्व ब्रह्मांड सब मेरे। इसलिए जब भगवान को अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है, जब हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं ना, फिर सबको प्रणाम करना हो जाता है। फिर अलग रूप में तुम्हें किसको प्रणाम करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन शंकर जी की इतने जो ऊंचाई जो भाव है ना, ये दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया और समझ नहीं करके शंकर जी को क्रोध होकर के अभिशाप से अभिशाप दे दिया। शंकर जी वहां से चले गए। फिर दक्ष प्रजापति तभी क्रोध शांत नहीं हुआ, उसने फिर शंकर जी के अपमान करने के लिए कनखल में फिर यज्ञ किया। लेकिन सब दामाद को तो उन्होंने निमंत्रण पत्र दिया, केवल श्री भोले बाबा को नहीं दिया। अभी जितने दामाद रथ में बैठे करके सबसे विमान में जा रहे थे, अब कैलाश ऊपर में बैठे हुए शंकर सती बैठे हुए, इतने में सती ने कहा, देखो देखो प्रभु, आपका जो ससुर है ना यज्ञ कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं ससुर जी को यज्ञ में। क्योंकि पार्वती क्या सोच रही थी, जैसे शादी होता है ना, देखना अपना अपना बेटी अपना अपना ससुर घर में चली जाती है, फिर कब एकत्रित होते हैं। अगर पिता कोई उत्सव करे, अगर पिता अगर सबको निमंत्रण देना, देखना बहन लोग फिर इकट्ठे होते। यही संसार की आनंद है, फिर सारे बहनी कितने दिन के बाद में इकट्ठे होंगे, सब बात कर, तुम कैसे हो, तुम कैसे, तुम्हारी संसार कैसे चले, यही संसार की आनंद है। अभी पार्वती सोच रही है, अभी सारी बहनी आई होगी, केवल मैं अकेली नहीं जाऊंगी। यहाँ पर सुनो, अभी प्रश्न ये आता है, हमारी भारतीय संस्कृति शिक्षा देता है, जैसे आप अपना पीहर जाओ, पति का आदेश के बगैर जा सकते हो, अपना ससुर के आदेश के बगैर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, पति के आदेश की जरूरत है, पूछ करके फिर आप अपना पीहर जा सकते हो। लेकिन ये जगदम्बा जगत जननी जो है, माँ है सभी का, वो जो करेगी दुनिया वही करेगा ना। लेकिन उन्होंने अपना पति को आदेश ग्रहण नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने चली गई। अभी यहाँ प्रश्न है, फिर वो क्यों चली गई? ये तो इनको तो हर समय में डांटते रहती है, हर समय गलती करते हैं। मैं तो इनको हर समय समझाता रहता हूँ कि ब्राह्मण देव वही रखो, पीछे रख लो, मैं बुलाऊंगा छतरी लेकर के, उनको पीछे बैठा। इसलिए पहला जो पै है ना, कहती है पत्नी, दुनिया को समझा लो, लेकिन अपना पत्नी को तुम समझा नहीं सकते। बोले दूसरा पद कौन, बोले पुत्री, दुनिया को समझा लोगे लेकिन अपना पुत्री को नहीं समझा सकते। दुनिया को पढ़ा लोगे लेकिन अपने बेटी को नहीं समझा सकते। तीसरा जो पा, बोले पुत्र हैं, देखना दुनिया को पढ़ाओ लेकिन आप पुत्र बेटे को आप पढ़ा नहीं सकते। हाँ, वो सोचना ये मेरे पिताजी है, क्या मेरे को पढ़ाएगी। इसलिए जो चौथा जो पा है, बोले परिवार, देखना सारा दुनिया तुम्हारी बात सुनती है लेकिन परिवार में देखना कोई तुम्हें इज्जत नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं करता है। और जो जो पंचमा जो पा है, कभी पड़ोसी, सारा दुनिया में मित्र देना, पड़ोसी में लड़ाई करने बैठे, लड़ाई युद्ध। इसलिए उन्होंने सती को समझाने के लिए कोशिश की, बोले मैं लिखी पढ़ी हूँ, कैसे बड़ी समझ जाऊंगी, मैं स्वयं परीक्षा करूंगी। इसलिए बोले जब परीक्षा करो, उन्होंने सीता का रूप धारण करते हुए गए। वो सोच रही थी अगर ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे, अगर भगवान नहीं होंगे तो मेरे को आलिंगन करेंगे। भगवान राम कोशिश कर रहे थे उनका अभाव करने के लिए, लेकिन ये सती जोर जबरदस्ती सामने आ रही थी। जब सामने आ गई, इतने में बोले माता जी आप इधर, प्रभु तो उधर चले गए। फिर उनको वंदना की, बोले प्रभु आप ही जाकर यज्ञ को पूरी कर सकते हो। फिर शंकर जी फिर आ करके उन्होंने उसका बकरी का सिर लगा दिए, यज्ञ को पूर्ण होते करके तुम्हारे घर उन्होंने पूर्ण किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल की जय, श्री राम सवरिया, ले चल पर लीपा सवरिया।
नाचते हैं, लेकिन यहीं पर कोई नहीं नाच रहे, यहीं पर कोई नाच रहे। देखो भगवान का कीर्तन में नाचने का कितने मर्जी है, सबको बुला नहीं करता, ध्यान लगा के सुनो। अनजान भी अगर नाच लिया, एक समय भगवान के दरबार में किसी ने दिया जलाने दिया था, एक चूहा तेल खाने के लोग से पहुंचा। जब वो चूहा तेल पी रहा था, वो दिया बुझने जा रही थी, तेल पीते पीते उसका जो दांत है ना बत्ती में लग गए, तो उसको मुंह में आग लग गई, आग ले गया, तो वो चूहा पीछे हटा। पीछे हटते ही वो जो दिया की जो बत्ती थी ना, वो दांत में फंस गया था, फंस गया। तो पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी, वो दिया हो गया तेल, और उसको मुंह में आग लग गया। वो दो तीन बार छलांग लगाया, देखो ठाकुर कितने दयालु। बोले कार्तिक का महीना, दिया बुझने जा रही थी और चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया, मतलब मेरे को आरत लगा, और दो तीन बार छलांग लगाई। बोले माना मेरे को आरती लगाते हुए मेरे सामने नृत्य किया। कहते अगली जीवन में उसको राजा की बेटी बनकर के जन्म हुई, राजकुमारी बनकर। इतने इतने फल है भगवान को सामने नाचने का। फिर उसकी हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम की भावना रही। प्रभु की भजन करते करते ठाकुर जी गोलोक वृंदावन में अपना गोपी रूप में स्थान ले लिया। इतने महिमा अनजान में एक चूहे अगर नाच ले तो, अगर भक्ति भाव से कोई नाचेगा तो हम सोच नहीं सकते हो। देखो हम सबके सब नाच रहे हैं, नाच रहे कि नहीं? कोई पति को सामने नाचता है, कोई पत्नी को सामने नाचता है, कोई बेटे को सामने, कोई सास को सामने, कोई ननद को सामने, नहीं तो 84 लाख जीने में तक नाच ही रहे। बोले क्यों नाच रहे हैं? चूंकि हम भगवान के दरबार में नहीं नाचे, इसलिए सबके सामने नाचना पड़ता है। अगर भगवान के दरबार में अगर नाचोगे ना, तो कहीं भी तुम्हें नाचने का जरूरत नहीं। अगर इनके दरबार में नहीं नाचोगे ना, फिर तो दुनिया को सामने तेरे को नाचना पड़ेगा। अभी सोच लो, हम भगवान के दरबार में हमें नाचे ना, दुनिया को सामने में नाचे। अभी आप ये चीज को सोच लो। सवरिया तेरे चल बदली
Yeah.
लग रही हैं और सब ऐसे ही बैठे ना ताली ना कछु, यहाँ आने का फायदा तो उठाए सभी लोग हाथ उठाए। हाथ का कौन कौन पल्ली मार जाएंगे, पल्ली पर जाना किसको है, हाथ उठा कर ताली बजाए और क्या बोलना है। राधे राधे सभी लोग एक बार हाथ उठाए, हाथ उठा कर बोलना है इससे विस्तार है। जैसे तुमने कर्म किया, शास्त्र में बताते हैं अगर ऐसे पुण्य कर्म कर लो, जैसे कहते हैं ना गंगा में नहा लो क्या होता है, सारे पाप धुल जाती है। शास्त्र में बताया अगर ये पाप करोगे इसका प्रायश्चित ये, अगर ये पाप करोगे इसका प्रायश्चित ये, शास्त्र में बताया गया है। जब उन्होंने ये बात बताए, ये परीक्षित महाराज को भाया नहीं, बोलिए प्रायश्चित कैसे। जैसे एक महीना तीर्थ में गए, गंगा जमुना सरस्वती चार धाम घूम कर गए, वहां पर खूब दान पुण्य किया, कुछ तो पाप नहीं किया। जब वापस आए ना, भाई इतना दिन से बकरी और इतना दिन से मांस मछली नहीं खा, आज बढ़िया करके लाओ, बढ़िया करके खाना है। फिर क्या हुआ, उदाहरण दिया जैसे एक हाथी को आप तालाब में अच्छे तरह से स्नान कराओ, हाथी का एक स्वभाव है जब फिर ऊपर उठेगा ना सबसे पहले वो धूल ढूंढेगा, सारे धूल को सूंड में इकट्ठे करके फर करके उड़ाएगा, सारा शरीर में धूल लगा के फिर जाएगा। कभी ये प्रायश्चित कैसे, बस प्रायश्चित किया। जैसे कोई उल्टा पुल्टा पैसा काम करके पैसा कमाया, बोले चलो कुछ दुखी दरिद्र को बांट आते हैं, कुछ दान पुण्य करके आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर वही घी में चर्बी मिला, फिर कंकड़ मिला, फिर दाल में, फिर क्या हो गया, फिर बेकार हो गया। करना धरना जैसे बेकार ही, इसलिए कहती ये जो यह है कहती हाथी के स्नान के बराबर। तो उन्होंने पूछा ऐसे कोई उपाय क्या है जो हृदय से ही ये पाप करने का जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाए, ऐसे कोई उपाय है क्या। बोले हाँ ऐसे भी एक उपाय है, बोले बताना वो क्या चीज। बोले केवला केवल या भक्ति, हाँ बोले के चीज केवल या भक्ति वासुदेव पारायण निहार इव भास्कर। उदाहरण दिया जैसे सूरज उदय होने पर देखना सारे अंधकार दूर हो जाता है, जितने कोहरा सूरज उदय होते हैं सारे कोहरा दूरीभूत हो जाते हैं, उसी तरह हृदय में जब भगवान की भक्ति आ जाए ना, बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र, भक्ति आने पर अपनी आप गंदी चीज से मन हट जाती है।
अपने आप गलती चीज हट जाती है। और भक्ति में जो सबसे बच्चे बाहर पिछले था, इसलिए जो भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है ये कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे परा। कलयुग में सबसे सरल भक्ति भगवान बताए, हाथ में जो कुछ काम करो भगवान की सेवा करो और मुंह में भगवान के नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम का बड़ा महिमा। तो तेरे को एक सुंदर कथा सुना था। बोले एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजाब, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, पत्नी बड़ी सुंदरी ब्राह्मणी है, सारी सद्गुण संपन्न उसके अंदर में, गुरुजनों को सेवा करना, जीव को घर में दया करना है, सबको सारे सद्गुण उसके अंदर में। लेकिन एक दिन वो जंगल में गया जगह के लिए लकड़ी और फल फूल संग्रह के लिए। जब गया उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्रानी दोनों मिल रहे शराब पी कर नंगे होकर के। अभी उसको देखते ही ना वो देखते रह गया, जिसको उसके हृदय में फटो खिंच गई। अभी जब वो वापस आया घर में, देखो सारे सद्गुण संपन्न, सारे सद्गुण था, ये गंदी चीज कितने गड़बड़ी चीज, ये चीज सिखा देते हैं, ये गंदी चीज कितने बुरी प्रभाव डालता है। एक बार केवल उसने ये गंदा चीज को देखा, उसका मन अपना बीबी से हट गया। अभी वो वेश्या का प्रति इसका आसक्ति हो गया, उसने अपना जो पत्नी कम उम्र पत्नी को उसने त्याग दी, फिर वो वेश्या को साथ में गया और घर का सारे संपत्ति लेकर उसको लुटाया। देखो अभी ये दुनिया में जो इतने उल्टा पुल्टा इतने गड़बड़ी हो रहा है ना, जानते हो इसलिए कि जितने गंदी जो स्मार्टफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, टीवी आ गई और ये कंप्यूटर जो इच्छा खोल कर देख लो। अजामिल जैसे व्यक्ति, इतने पवित्र व्यक्ति, अगर एक गंदा चीज एक बार देखे उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, हम लोग बताओ हम क्या है। हम तो बद्ध जीव, ये जगत में इतनी उल्टा पुलटा जितने सारे दुनिया में हो रहे ना, इसका कहना भी क्या था, जियो, क्या नाम जीव, ये जियो नहीं, इसका नाम रखना चाहिए मरना, उल्टा रख दिया जियो, जियो नहीं ये मरना। आपको पता होगा बच्चे की स्मार्टफोन और ये सब चीज को लेकर कितने गड़बड़ी, जितने माँ पिता माता को सारी ये चीज पता होगा सब चीज को, बच्चे कितनी सब गलती चीज को लेकर। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है बच्चों को तो 20-50 लाख रुपया की हम मोबाइल स्मार्ट मोबाइल उसको पकड़ा देते हैं, लेकिन कभी कहते नहीं कि गीता भी पढ़े, थोड़ा भगवान का नाम करो, सवेरे उठ करके पिता माता की थोड़ा चरण छुओ, एक माला करके जाओ, ये बात बताते हैं बच्चों को। जितने गड़बड़ी उल्टी पुल्टी चीज सब बच्चों को दे देते हैं, लेकिन कभी भक्ति के मार्ग उसके बारे में नहीं बताते हैं, भक्ति के रास्ता नहीं बता। बच्चे पहले आप देखना बच्चे कितने अच्छे होते थे सारे, क्योंकि सुनते थे श्रवण कुमार की कथा, कैसे श्रवण कुमार ने अपना कंधे पर अंधे पिता माता को सारा तीर्थ उन्होंने घुमाया। पहले ही सब कथा सुनते थे, बच्चों को सुनाया जाता था, लेकिन स्कूल में उस रामायण नहीं, महाभारत नहीं, गीता नहीं, इतना उल्टा पुल्टा चीज, सारे अंग्रेजी की हवा यहाँ पर ऐसे आ गई ना, अंग्रेजी की हवा, सारे अंग्रेज जैसे अभी हिंदी बोलना लोग, हिंदी नहीं अंग्रेजी बोलेगी, बोले बाबा रे क्या बड़ा हो गया, अंग्रेजी अपना हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, ऐसे ऐसे देश कुछ देश है ना वो अपना भाषा छोड़ के दूसरा भाषा बोलेंगे नहीं कभी, वो अपना भाषा ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई थोड़ा कंठी इसका साड़ी देख रहे अपना सर के ऊपर भी कपड़ा लगाया, लेकिन आपके सर में कोई कपड़ा है देखो नहीं, यही चीज को देखो ना, इसलिए हमारे को एक ब्रह्मचारी आ रहा था, देखो ध्यान देकर देखो, जैसे इसके गले में देखो चादर है, किसी ने इनको पूछा भैया ये चादर क्यों गले में डाले हो, बोले लड़कियां इसको छोड़ दिया ना इसलिए हमने इसको ले लिया तो उत्तर देता है लड़कियां सब चीज छोड़ दिए ना, पहले आपको बता होंगे माताएं सबके सब क्या करते थी, सब सर के ऊपर कपड़ा ढाक कर रखते थे। हमारी हिंदू संस्कृति ये मत समझो, जितने पहले विदेशी लोग हमारे भारत में आए थे सारे धन को लूट मार कर गए, लेकिन फिर अंग्रेजी आए हमारे सारे भक्ति को लूट करके ले रहे, उनकी आहार खान पान रहन सहन कपड़े बास, हम सोचते हैं अगर इसको पहन लिया ना क्या क्या बड़ा, लेकिन उन लोगों ने देखा ऐसे कुछ नहीं, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, इसलिए तब तक ये लोग इस चीज को ग्रहण कर रहे, हमारे जैसे कपड़ा, हमारे जैसे लता, हमारे जैसे सब चीज। अब वृंदावन में जाओ, इस पर में जाओ, देखना छोटे छोटे बच्चों को देखो क्या नाम रखे इनकी, हैं कृष्णा गोविंद दामोदर गीता सीता ललिता, हमारे बच्चों को देखो
टिन्नी टोली टू टूनो थोनो जितने विदेश में से कुत्तों का है ना, ये सब कुत्तों का नाम विदेश में, कहते बच्चे का नाम भगवान का नाम धरा है, कल्याण नहीं हो जाएगा, कुत्ते का नाम धरा है। इसलिए ना हम लोगों को ना ये सब लोगों से हम सीखनी चाहिए। हाँ देखो, जब तक हमारी ये सब संस्कृति रहेगा ना, हमारा भारतीय संस्कृति जब तक रहेगा तब तक समझना शांति सुख रहेगी, उतना शांति सुख में रहेगी। जितने अंग्रेजियों का रहन सहन खान पान तुम ग्रहण करोगे, हमारे जो स्वामी प्रभुपाद जब विदेश में गए उनका पहला लेक्चर था, हमने सुना अमेरिका सबसे ज्यादा समृद्ध देश है, लेकिन जब न्यूज पेपर पढ़ता है सबसे ज्यादा सुइसाइड करने वाले इसी देश में, क्यों? बोले गरीब नहीं, पैसा वाले सब सुइसाइड कर रहे हैं, ज्यादा पैसा वाले। क्यों सुइसाइड कब करता है? जब संपूर्ण होपलेस हो जाता है, दुनिया से पूरा नफरत, तभी तो जाकर सुइसाइड करता है। हैं उनको देश में ना प्रेम नाम का कोई चीज नहीं। एक हमारे कोई भक्त अमेरिका गए, वो 15 दिन में मेरे से एक बार बात करता है और घंटा घंटा तक। मैंने कहा इतना दिन बात करता हूँ? बोले महाराज यहाँ पर दिल खोल कर किसी हम बात नहीं कर सकते, हृदय यहाँ पर है ही नहीं, वो जो कुछ सोचते ना यहाँ से दिल से नहीं। आप उनके लिए बहुत करो, थैंक यू बस, सारे प्रेम खत्म, थैंक यू बोलकर खत्म। मतलब जो रीढ़ी है कि जो चीज है वो है नहीं। फिर बच्चा हो गया 15-16 साल का, जा घर से, घर में रहने नहीं देंगे, तू जा घर से बाहर निकाल के उसको घर में कमाओ और खाओ। कोई पिता माता की घर में नहीं रहती, उसको अपना कमाओ और खाओ। और लास्ट में जब जाकर कहाँ ओल्ड हाउस में चले जाएंगे, ओल्ड हाउस में। अब सबसे ज्यादा देखना ओल्ड हाउस में जाकर देखो, किसी मुसलमान क्रिश्चियन को नहीं देखो जितने हिंदुओं को देखो सारे। ओल्ड हाउस में कब छोड़ देते हैं? तभी छोड़ते हैं जब पिता माता की सेवा करने की इच्छा नहीं रहता, तभी जाकर उसको ओल्ड हाउस में। अब जाकर किसी ओल्ड हाउस में देखना, किसी क्रिश्चियन मुसलमान को नहीं देखोगे, सारे हिंदुओं को देखोगे। इतने नालायक बच्चे, जिस पिता माता तेरे को जन्म दिया, इतने कष्ट कर पालन किया, उसको हो गया घर में कि बहू आ गई तो अरे नहीं, कहते जब तक सास ससुर में घर में नहीं रहूंगी मुझे घर से निकालो, घर से। हाँ क्या तुम एक दिन सास ससुर नहीं बनोगे? तुम खुद भी एक दिन बनोगे सास, फिर तुम्हारी क्या होगी? इसलिए हम धीरे धीरे ना हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं सबके सब। हाँ इसलिए आप लोग कोशिश करना, हमारी जो ऋषि मुनियों का संस्कृति है, सीता ने जो संस्कृति दिया, राधा रानी जो संस्कृति दी, जब तक वो संस्कृति रहेगा समझो हम संसार में सुखी रहेंगे। बच्चे से प्यार मिलेगा, बहू से प्यार मिलेगी, हैं इनसे आदर मिलेगा, घर नहीं हमारा तो भगवान का धाम बनेगा, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए अजामिल ने एक बार केवल गंदा चीज को देखा है ना, पूरा पत्नी को त्याग दी, अभी वो बेसिया के साथ में रहा, उसका हाथ का जितने खान पान गंदी चीज खाए हैं, और उससे 10 बच्चे हुए, लेकिन उसने कैसे, उसने हिंदू तो था ही, छोटा बेटे का नाम कैसे भूल से कैसे नारायण रखी है। अब देखना छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, हैं? अब देखना सबसे छोटा बेटे का हम प्यार, बोले बेटा इधर आ जा, लेकिन बेटे का नाम क्या? नारायण। बोले नारायण कहाँ हो? इधर आ जा लाला, मेरे गोद में आ जा बेटा। नारायण जा मेरे लिए पानी ले आ। बोले नारायण ले बेटा ये चीज ले। नारायण है ना, बाद बात में नारायण नारायण नारायण। अब उसका मृत्यु का समय आया मरने का, इतने में हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से, तीनों से हम कर्म करते हैं। इसलिए अभी 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए, 3 जमदूत लेने के लिए आए, तो इतने में उसको बेटे को दूर से देखा खेलते हुए, उसने अपना बेटे को बुला बोला नारायण नारायण। ये 4 अक्षर है, एक तरफ में 3 जमदूत और दूसरे तरफ में 4 विष्णुदूत दोनों, और उसको ले जा रहे थे जमदूत, गला में काश ताल फांस को डाल करके उसको ले जा रहे थे। हाँ इतने में विष्णुदूत आगे बोले माँ भयो डरना नहीं हम नहीं। विष्णुदूत ने कहा हे तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत। बोले धर्म, धर्म का नाम पर अधर्म करने के लिए आए। बोले अधर्म क्या? हमको बता नहीं ये क्या किया, अपना पत्नी को त्याग दिया, ब्राह्मणी को, शूद्राणी को साथ में रहा, सारी गंदी चीजों को खाए,
और चोरी डाकू गुंडागर्दी सारे पाप कर्म किया, सीधा नरक जाएगा। देखो भगवान का नाम में कितनी शक्ति है। बोले हाँ उसने गंदा काम तो किया लेकिन पुण्य भी तो कुछ किया। बोले पुण्य क्या किया? बोले उसने नारायण नाम लिया, भगवान नारायण का नाम लिया। बोले वाह सारा जीवन पाप करो और मरते समय एक बार नारायण नाम लो बस हो गया। तब विष्णु दूत ने कहा मूर्खो तुमको भगवान के नाम में क्या शक्ति, तुम्हें क्या पता है? इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा।